और मेरा जो एंटॉर्क है उसका भी बैटरी डैमेज हो चुका है। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जब से BS6 बाइक या स्कूटी आई है तो बहुत लोगों ने एक प्रॉब्लम जो है बहुत फेस किया है। तो वो प्रॉब्लम क्या है, क्या होता है, हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हमारा स्कूटी या फिर बाइक का जो इग्निशन की है वो ऑन रहता है, जिसके वजह से बैटरी जो है वो एकदम से डेड हो जाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं लेते हैं। और आजकल तो मैक्सिमम बाइक और स्कूटी जो है उसमें तो किक नहीं होता है। और एंटॉर्क का अभी जो नया XT एडिशन आया है उसमें भी किक हटा दिया है, किक नहीं है इधर में। तो इस समय आप लोग अपना गाड़ी को या फिर स्कूटी बाइक को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं उसके ऊपर यह इसका वीडियो होगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपका बाइक है तो आप तो बैटरी को, आपका बैटरी जो है वो डेथ होने के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे, दो नंबर गियर में लगा के या फिर 3 नंबर गियर में लगा के आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और बैटरी जब गाड़ी में लगा हुआ होता है तो बाइक या स्कूटी जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं डेथ होने के बाद भी। तो उस दिन मैं गया था, मेरा एक दोस्त का FZ नया BS6 आपका फर्शन जो था वो था, तो उसका भी सेम प्रॉब्लम है, उसने फूल गया है कि इग्निशन जो है वो ऑन था, जिसके वजह से इसका बैटरी जो है वो एकदम से डेड हो चुका था। तो हम लोगों ने क्या किया, गियर में लगा के स्टार्ट किया तो आसानी से स्टार्ट हो गया एक बार में ही। तो बाइक है तो आपका बहुत सारा ऑप्शन है, किक नहीं है तो बाइक का स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन स्कूटी का तो बहुत ही दिक्कत है, स्कूटी का किक नहीं है तो स्टार्ट आप नहीं कर सकते, क्योंकि स्कूटी में गियर वगैरह नहीं होते हैं, तो स्कूटी को स्टार्ट करना दिक्कत है। इस समय आप लोग क्या कीजिएगा, आपका दोस्त का, आपका अगर एंटॉर्क XT है, मान लिया आपका एंटॉर्क XT है, तभी आप लोगों का बैटरी जो है वो डेड हो चुका है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आपका दोस्त का या फिर रिश्तेदारों का कोई भी एंटॉर्क होगा तो उसका बैटरी जो है उसको खोल के गाड़ी को स्टार्ट कर लेना, उसके बाद स्टार्ट करके छोड़ देना। आपका दोस्त का एंटॉर्क का बैटरी से आप लोगों ने स्टार्ट किया तो वो बैटरी जो है उसको खोल के, स्टार्ट बंद मत करना, उसको खोल के, मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाऊंगा, उसको खोल के आप लोग आपका जो बैटरी है उसको लगा देना, तभी बैटरी जो है वो आसानी से चार्ज हो जाएगा। तो ऐसा प्रॉब्लम बहुत लोगों ने फेस किया है, तो इसलिए सोचा एक वीडियो बना के आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग भी, और सब भी ऑन करके आप लोग भूलिएगा मत प्लीज़, नहीं तो आपका बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा अगर आपका स्कूटी है किक नहीं है तो। तो यही छोटा सा वीडियो आज आप लोगों के साथ शेयर किया, वीडियो कैसा लगा बताना, और वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और मेरा जो एंटॉर्क है उसका भी बैटरी डैमेज हो चुका है, तो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि एक बार सेल्फ लगा उसके बाद दो बार मारूंगा तो मीटर जो है ऑफ हो जाएगा। देखिएगा आप लोग, देखिए मीटर जो है ऑफ हो गया, थोड़ा टाइम 5 मिनट या फिर 6 मिनट डिस्प्ले सभी को ऑन रखता हो तो क्या होता है, मेरा बैटरी जो है वो एकदम से डेड हो जाता है। तो यही प्रॉब्लम मैं भी फेस कर रहा हूँ, और इसका जो मैं नेक्स्ट बैटरी लगाऊंगा थोड़ा सा पावरफुल लगाऊंगा, क्योंकि मैं फॉगलाइट वगैरह इसमें इंस्टॉल करूंगा। तो चैनल में बने रहे, मैं आगे आप लोगों को दिखाते रहूंगा।